प्रति अनुरोध पत्र प्रति माननीय श्री दिलीप सिंह जी गुजर विधायक नागदा खाचरौद जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, विषय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट के समय आर्थिक मदद एवं शासन योजना का लाभ दिलाने हेतु बाबत अनुरोध पत्र। महोदय जी, उपरोक्त विषय में संदर्भ में अवगत कराते हुए संपूर्ण समाज की ओर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते नागदा में निवासरत श्री दामोदर ऋषि जुना प्रजाति दर्जी समाज के लोगों के ऊपर रोजमर्रा जीवन यापन हेतु रोजी रोटी का संकट खड़ा है। नागदा में अधिकांश समाज के ऐसे परिवार हैं जो महीने भर का राशन एक साथ खरीद कर नहीं रह सकते हैं। जैसे कई परिवार हैं जो सिर्फ सिले का कार्य करते हैं, हाट बाजार में कपड़े की दुकान लगाते हैं, कई समाजजन कपड़ों की दुकान पर कार्य करते हैं, वह मजदूरी करते हैं, जिसमें अधिकांश समाज बंधु किराए के मकान में निवासरत है, जिनका मासिक वेतन 6,000 रुपये से भी कम है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत दर्जी समाज शामिल है। नागदा में निवासरत दर्जी समाज में मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों का मुख्य व्यवसाय कपड़ों की सिलाई करके अपने परिवार के आजीविका भरण पोषण करना होता है। आज विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इस संपूर्ण लॉकडाउन के कारण नागदा में निवासरत दर्जी समाज के परिवारों को अपनी आजीविका चलाने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अपने आय के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने परिवार के भरण पोषण के दायित्व का उचित निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नागदा समाज के व्यक्तियों को अपने परिवार के भरण पोषण हेतु 3 माह का न्यूनतम 7,500 रुपये प्रति माह के मान से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें, जिससे समाज बंधु को राहत मिल सके। माननीय विधायक जी, जिसे हमारा अनुरोध है कि नागदा में निवासरत प्रत्येक समाज बंधु आपसे अनुरोध करता है कि आज इस विकट परिस्थिति में समाज की आर्थिक मदद कर समाज को लाभान्वित करें। आज इस विकट परिस्थिति में कोरोना के बचाव हेतु जो पोषण मास्क का कार्य चलता है, वह कार्य हमारे समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति व माता बहने इस प्रकार का कार्य करने में पूर्ण है। उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा चलाई जा रही जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को शामिल किया गया है। अतः हमारा निवेदन के हमारा समाज सिलाई कार्य में दक्ष है, अतः इस योजना के पुरुष वर्ग को भी शामिल किया जाए एवं यह कार्य हमारी समाज बंधुओं को समर्पित कर उन्हें रोजगार देने एवं कोविड-19 योद्धा वॉरियर के रूप में जिसकी सेवा प्रदान करने की कृपा करें। आपके सहयोग की प्रतीक्षा में पूर्ण समाज धन्यवाद। निवेदक श्री दामोदर ऐसे समाज के लोगों को और मजदूर लोगों को कल 10,000 रुपये महीने की तत्काल राहत देने की बात करी है। हमारी पार्टी ने कहा पैकेज हमको नहीं चाहिए, हमको तो आर्थिक रूप से लगातार उनके खातों में पैसा आना चाहिए और 7,500 रुपये प्रत्येक 6 महीनों तक इनको देने की आज आवश्यकता है। इस रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री से भी तत्काल बात करेंगे और मुझसे जो व्यक्तिगत रूप से जो मदद होगी आप लोगों को निश्चित रूप से मैं उपलब्ध कराऊँगा। मैं तो चाहता हूं कि हम सब हमारे समाज के सभी लोग जिन्होंने लगातार कोरोना डाउन के समय अपने धैर्य का संयम दिया, उनको एक धैर्य की भी एक समय की सीमा रहती है। निश्चित रूप से घर बैठ के बेरोजगारी में और किराए के मकानों में किराया भी बढ़ रहा है, उधर रोजगार भी नहीं, निश्चित रूप से जो कर्ज बढ़ रहा है, आज सबको अपने भविष्य की चिंता है। कोरोना का डर है, उससे ज़्यादा अपने पेट की चिंता है, परिवार की चिंता है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके जो भी होगी हम आर्थिक मदद हम लोग एक दूसरे की मदद करके अपना काम करेंगे। आशीर्वाद जी बोल दिया।